दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके WhatsApp से मैसेज नहीं जा रहा है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूं कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी मैंने WhatsApp को ओपन कर लिया, तो अभी अगर मैं किसी के भी WhatsApp नंबर पे मैसेज करूंगा तो मैसेज नहीं सेंड होगा। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं मैसेज टाइप करता हूँ ही, और अभी मैं सेंड करूँगा। तो मैंने यहाँ से मैसेज तो सेंड कर दिया, लेकिन ये मैसेज उसके पास नहीं गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये प्रोसेसिंग का यहाँ पर सिंबल बना है और यहाँ पर मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। ओके, मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज सेंड करूंगा। ओके, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, कुछ भी यहाँ पे सेंड करूंगा और यहाँ पे मैसेज सेंड ही नहीं होता है। तो अगर कुछ इसी प्रकार की प्रॉब्लम आपके WhatsApp में आ रही है, मैसेज नहीं सेंड हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सही करोगे, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में ओपन करना पड़ेगा सेटिंग को। तो यहाँ पे दोस्तों ये है मेरे फ़ोन में सेटिंग, मैं सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। तो आप सेटिंग को ढूंढेंगे, आप सेटिंग ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मैनेज ऐप्स का। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सेटिंग में ढूंढेंगे या फिर आप यहाँ पे सर्च करेंगे मैनेज ऐप, तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे मैनेज ऐप पे टच करेंगे। चलिए मैं क्लिक करता हूँ, और जैसे आप मैनेज ऐप पे क्लिक करते हो उसके बाद में आपको यहाँ पे ढूंढना है व्हाट्सअप कहाँ पे है, या फिर आप यहाँ पे सर्च कर देना व्हाट्सअप तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ व्हाट्सअप, और यहाँ पे व्हाट्सअप आ चुका है। तो अभी आप यहाँ पे व्हाट्सअप पे क्लिक कर देंगे कि ढूंढने के बाद, जैसे आप लोग क्लिक कर देते हो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपको सेटिंग से ऐसा ऑप्शन ना मिले तो मैं आपको दूसरा एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। तो आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप पे दबाए रखेंगे ऐसे, और उसके बाद में ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप सेम इसी पेज पे आ जाओगे जो कि मैंने आपको बताया। तो अभी यहाँ पर दोस्तों आपके सामने व्हाट्सअप की सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जो सेटिंग बताने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा और इस सेटिंग को सही कर लीजिएगा और आपके WhatsApp की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे स्टोरेज का, ये है स्टोरेज का ऑप्शन। आप यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर डाटा का, आप क्लियर डाटा पे टच करेंगे, ये है। अभी जैसे आप टच करते हो तो इसमें दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला आपको मिलेगा क्लियर ऑल डाटा एंड दूसरा आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर कैश का। तो यहाँ पे आपको क्लियर कैश करना, यहाँ पे आपको क्लियर ऑल डाटा नहीं करना है, आपको क्लियर कैश करना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पे नीचे क्लियर कैश पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके राइट, आप यहाँ पे क्लियर कैश कर देंगे, उसके बाद में आप बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे दूसरा आपको जो सेटिंग करना है इसका नाम है डाटा यूसेज। तो आपको यहाँ पे डाटा यूसेज का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे डाटा यूसेज पे क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये चेक कर लेना है कि यहाँ पे सिम कार्ड 1 सिम 2 ये तो चालू है या नहीं। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मोबाइल डाटा सिम 1, मोबाइल डाटा सिम 2, वाईफाई ये सब बंद है, तो शायद इसीलिए व्हाट्सअप से मैसेज नहीं जा रहा था। ओके, तो अभी आपको इसको ऑन कर देना है। तो मेरे में बंद है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो अगर पहले से चालू है तो ठीक है, अगर बंद है तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा और आप यहाँ से बैक आइएगा। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप परमिशंस का, नीचे आएंगे तो मिल जाएगा, ये है। आप ऐप परमिशंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैमरा कॉन्टैक्ट्स माइक्रोफोन एसएमएस स्टोरेज टेलीफोन ये ऑप्शन अगर बंद है तो ऑन कर दीजिएगा, अगर ऑन है तो ठीक है, हमारे में ऑलरेडी ऑन है तो मैं सिंपल बैक आता हूँ। तो बस आपको इतना चेक करना है, अब आपको सिंपल यहाँ पे बैक चले आना है। ओके, बैक आने के बाद छोटा सा आपको काम और करना है, उसके लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे जहाँ से आप डाटा ऑन करते हैं, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एरोप्लेन मोड का, आप इसको एक बार ऑन करेंगे देन आप इसको ऑफ कर देंगे। अब चलिए मैं आपको चेक करा देता हूँ कि अब चैट जाता है या नहीं। तो मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ, और जैसे हमने व्हाट्सएप को ओपन करा और यहाँ पे अभी ये पेंडिंग में चल रहा था, आप लोग यहाँ पे लाइव देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेंड हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टिक लग चुका है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ओके, अब अगर मैं मैसेज सेंड करूँगा कोई भी मैसेज, सभी मैसेज जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो सेंड करा, यहाँ पे मैसेज तुरंत सेंड हुआ, यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी मैसेज नहीं सेंड हो रहा था वो अब सेंड हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो अभी मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ माई नेम इज सोमू। ओके, तो मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेंड करा तो यहाँ पे ये मैसेज सेंड हो गया। ओके,
तो अब मैं अगर किसी के पास भी WhatsApp से मैसेज सेंड करता हूँ तो वो मैसेज सेंड होगा। तो अभी WhatsApp की जो प्रॉब्लम थी, WhatsApp से मैसेज नहीं जा रहा था, नहीं सेंड हो रहा था, वो प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप भी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियोज़ को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आओ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही नई एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।